हेलो फूडीज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू माय फर्स्ट वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरी हर एक वीडियो को दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पिज्ज़ा परांठा बनाने की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिज्ज़ा परांठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गूंदा हुआ आटा, जिसमें हम एक टीस्पून डालेंगे नमक और आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा घी। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पहले से ही गूंदा हुआ आटा रखा है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए, इस तरह से ऑलिव ऑयल को आटे पर लगाकर आधे घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। अब दूसरी ओर हमें अपने मिक्सर की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगी हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च। हमें इनको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लेना है। मेरी तरह आप लोग भी चॉपर का यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि चुटकियों में आप प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को चॉप कर सकें। देखिए ऐसे। चलिए पिज्ज़ा पराठे की फीलिंग बनाना शुरू करते हैं। सारी सब्जियों को एक बाउल में डाल देते हैं। देखिए ऐसे। पिज्ज़ा पराठे को और भी यम्मी बनाने के लिए हम इसमें डाल सकते हैं स्वीट कॉर्न, जो कि होते हैं सभी बच्चों के फेवरेट। दोस्तों, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। सच सच बताना, क्या आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है इसे देखकर? चीज़ डालने के बाद तो ये कितना ज़्यादा और भी यम्मी लग रहा है दोस्तों। अब इसमें डाल दीजिए पनीर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। देखिए बिल्कुल ऐसे। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब अच्छे से इन सबको मिक्स कर लीजिए। चलिए, अब हमारे आटे को भी चेक करने का टाइम हो गया है। इसको थोड़ा सा रोली पोली करके ठीक कर लीजिए। अब इस तरीके से दो पेड़े बना लीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल ट्राई करना, एक थोड़ी थिन लेयर बनाओ ताकि हमें खाने में क्रिस्पी लगे, और फिर इसके अंदर हम अपनी फिलिंग को रख देंगे। ऐसे फैला के हम इस पर पिज्ज़ा सॉस लगा लेंगे ऐसे, और इसके बाद देखिए हम इसके अंदर अपनी पूरी फिलिंग को अच्छे से रख देंगे। हम ट्राई करेंगे कि पूरी रोटी को अच्छे से फिलिंग से कवर करें, ताकि कॉर्नर्स में भी हमें टेस्ट आए। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर क्या डाल देंगे दोस्तों, थोड़ा सोचिए। हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? यस, चीज़ डाल देंगे हम इसको थोड़ी सी, और देखिए कितना चीज़ी परांठा है। को सिम गैस पर तवे पर सेक लेंगे, ताकि जिससे क्या हो, अंदर की सारी सब्जियां भी सिक जाए। अच्छे से परांठे को क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। देखिए बिल्कुल ऐसे। हमारा परांठा अच्छे से सिक के तैयार है। तो चलिए इसको कट करके अच्छे से सर्व करते हैं और इसका मज़ा उठाते हैं। एंजॉय योर फूड दोस्तों। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप नेक्स्ट क्या रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।